अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शुभकामनाएं बहुत बहुत, जय हो यशस्वी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे यार, अरे मोबाइल वापस आपने बदल रंग कर लिया है, अब क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? क्या देखिए, आचार संहिता की घोषणा होते से ही मैंने इस कक्ष से कुर्सी को प्रणाम करके बाहर हुआ था, और माँ चामुंडा की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से हमारी सरकार पुनः बनी है। आज पुनः मैं अपने इस कक्ष में आया हूँ, पदभार मैंने पुनः अपना काम शुरू किया है। निश्चित रूप से जिन बातों को हमने चुनाव के पहले कहा था, उन सारी बातों को पूरा करने का प्रयास इन आने वाले समय में हम नई सरकार के गठन की बात करने वाले हैं। चाहे वो दोनों माँ तुलजा द्वार, माँ चामुंडा द्वार का निर्माण हो, चाहे भव्य देवीलोक का निर्माण हो, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो, या इस देवास की दशा और दिशा बदलने वाले मिनी सुपर कॉरिडोर का निर्माण हो, हम इन सभी योजनाओं पर अब द्रुत गति से काम करते हुए शीघ्रातिशीघ्र इन योजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, देवास विधायक जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के नेतृत्व में इस देवास विकास प्राधिकरण के माध्यम से देवास के विकास में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करूँगा। भैया, आपने बताया कि महाकाल लोक के तर्ज पे चामुंडा लोक भी बनेगा, और इसको लेकर अब आगे क्या रूपरेखा प्राधिकरण की रहेगी? देखिए, उस समय जब बोला था उसके तत्काल बाद चूँकि आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए उस दिशा में भी हम आगे कुछ काम कर नहीं पाए थे, लेकिन अब वो माँ चामुंडा की कृपा से ही पुनः इस प्राधिकरण में बैठने का मौका मिला है। निश्चित रूप से अब हम उस चामुंडा लोक के निर्माण हेतु द्रुत गति से योजना बनाने का काम शुरू करेंगे।